गुड मॉर्निंग क्लास। और आज मैं बताने जा रहा हूं करंट अफेयर का एक स्पेशल टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है फीफा वर्ल्ड कप 2022। तो चलिए बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2022। देखिए, सबसे पहले इसका पूरा नाम फीफा क्या है, फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था कहलाती है फीफा। इसका पूरा नाम होता है फेडरेशन इंटरनेशनल। अक्सर होता है एफ से हम लोग फुटबॉल सोच लेते हैं, तो फुटबॉल मत सोचिएगा, पहले सोचिएगा फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। तो फुटबॉल बाद में आएगा, फेडरेशन पहले आएगा, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ये इसका पूरा नाम है। अच्छा, इसका मुख्यालय कहां है फीफा का? फीफा का मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। फीफा का मुख्यालय कहां पर है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। और इसके अध्यक्ष कौन है? यानी इन्फेंटिनो। इसके क्या है? अध्यक्ष है किसके? फीफा के। और इसकी स्थापना कहां कब हुई थी? 21 मई 1904 को इसकी स्थापना हुई थी फीफा की। पहला फीफा वर्ल्ड कप 1930 में उरुग्वे में खेला गया था। उरुग्वे दक्षिण अफ्रीका की एक कंट्री है। चलिए, उसके बाद ब्राजील सबसे ज्यादा बार, लगभग 5 बार फीफा वर्ल्ड कप खिताब जीता है, ठीक है। और जो अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ है कतर में, वो कब से कब तक हुआ है? देखिए, 20 नवंबर 2022 से 18 दिसंबर 2022 तक, 20 नवंबर 2022 से 18 दिसंबर 2022 तक फीफा वर्ल्ड विश्व कप 2022 कतर में खेला गया। कतर एक अरेबियन एशिया का देश है, ठीक है। आगे देखिए, कतर की राजधानी क्या है? दोहा है। और इसकी मुद्रा क्या है? कतरियन रियाल। देखिए, अब इसके बाद 18 दिसंबर को जो फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था वो कहां पर हुआ था? कतर के लुसैन स्टेडियम में। जो 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक फीफा वर्ल्ड कप का ऑर्गेनाइजेशन होता है, 18 दिसंबर को फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला जाता है। किन दो टीमों के बीच खेला जाता है? फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच में खेला जाता है। किस स्टेडियम में खेला जाता है? लुसैन स्टेडियम में खेला जाता है, जो कि कहां पर है? कतर में है, ठीक है। और इसमें फ्रांस और अर्जेंटीना पहली बार तो बराबरी पर रहते हैं 90 मिनट में, फिर 30 एक्स्ट्रा मिनट दिए जाते हैं, उसमें भी ये बराबर पे रहते हैं, फिर पेनल्टी शूट आउट होता है, और उसमें 4-2 से कौन जीत जाता है? अर्जेंटीना जीत जाता है। और अर्जेंटीना जब ये जीत गया तो इसको $42 मिलियन पैसे दिए गए, और इसकी जो उपविजेता टीम है फ्रांस उसको $30 मिलियन दिए गए। चलिए आगे आइए, 1942 और 1946 में फीफा वर्ल्ड कप नहीं खेला गया, क्योंकि आपको पता है ड्यूरिंग दिस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज गोइंग ऑन फ्रॉम 1939 टू 1945, ओके। और ये जो फीफा वर्ल्ड कप होता है ये हर 4 साल पे खेला जाता है। 1946, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, यह हर 4 साल पर खेला जाता है। उसके बाद देखिए, 2022 में फीफा वर्ल्ड कप का 22वां संस्करण खेला गया। 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप है उसका कौन सा संस्करण खेला गया? 22वां। तो जाहिर सी बात है, 2018 में 4 साल पहले इसका 21वां संस्करण आयोजित किया गया। कहां पे आयोजित किया गया? रूस में आयोजित किया गया, जिसमें फ्रांस जीता था और क्रोएशिया क्या था? उपविजेता। और प्रेजेंट टाइम में जो फीफा वर्ल्ड कप है उसमें उपविजेता कौन है? फ्रांस। और यहां पे देखिए कौन विजेता था? फ्रांस। और यही फ्रांस क्या बन गया? उपविजेता बन गया। 2026 में फीफा वर्ल्ड कप कहां पर होगा? ये इसका 23वां संस्करण होगा, और ये होगा कनाडा, यूएसए और मेक्सिको, तीनों देशों में खेला जाएगा। यहां या इसका कौन सा संस्करण होगा? 23वां। और उसके बाद ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि 2022 में अर्जेंटीना को $82 मिलियन और 2022 में फ्रांस को $30 मिलियन दिए। देखिए, जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 है उसका मस्कट क्या है? लाइट। और देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फीफा वर्ल्ड कप का। अगर फीफा वर्ल्ड कप से क्वेश्चन आना है तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोल्डन बूट अवार्ड किसको दिया गया? गोल्डन बूट मतलब सोने का जूता। तो गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया किलियानो को, जो कि कहां के हैं? फ्रांस के हैं। तो किलियानो बापे को क्या दिया गया है? गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया है। गोल्डन बूट अवार्ड किसको दिया जाता है? एक फीफा वर्ल्ड कप में जो सबसे ज्यादा बार गोल करता है उसे ही गोल्डन बूट अवार्ड दिया जाता है। तो किसको दिया गया? किलियानो को दिया गया। सिल्वर बूट अवार्ड किसको दिया गया? लियोनेल मेसी को दिया गया, जो कि विजेता टीम अर्जेंटीना से हैं, ठीक है। फिर उसके बाद गोल्डन बॉल अवार्ड, ये भी लियोनेल मेसी को दिया गया। सिल्वर बॉल अवार्ड किलियानो को दिया गया। अब उसके बाद देखिए, गोल्डन बूट अवार्ड उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिसने सबसे ज्यादा बार गोल किए हो। तो सबसे ज्यादा बार गोल 2022 में किसने किए हैं? किलियानो मबाप्पे ने किए हैं, ठीक है। अधिकतम कितने गोल किए हैं? 8 गोल किए हैं, ठीक है। और रोनाल्डो ने भी 8 गोल किए थे एक में, तो उसने रोनाल्डो के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। किसने? किलियानो ने।
2022 में 32 टीमों ने हिस्सा लिया फीफा वर्ल्ड कप में और 64 मैच खेले गए। फिर उसके बाद देखिए ये जो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप था इसका आदर्श भाग क्या है, एक्सपेक्ट अमेजिंग, यानी आप कमाल की आशा रखें कि यहां पे कुछ जादू हो सकता है, कुछ समथिंग ऐसा कुछ हो सकता है, बड़ा अच्छा आपको इंटरेस्ट क्रिएट होगा, ऐसी आशा आप रख सकते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2022 से। ठीक, और जो नारा दिया वो क्या है, नाउ इज ऑल, अब सब ठीक है। अब इसके बाद देखिए अभी आपने जितनी सारी चीजें पढ़ी हैं, अगर अब इसको आप रिवाइज कर लीजिए कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहां पर हुआ, कतर में हुआ, किस और जो फाइनल मुकाबला था कब खेला गया, 18 दिसंबर को खेला गया, किसके बीच खेला गया, अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में खेला गया, किस मैदान पे खेला गया, लुसैन नामक स्टेडियम पे खेला गया, तो ये सारी चीजें आप एक बार रिव्यू कर लीजिए, याद कर लीजिए, फीफा वर्ल्ड कप से आ सकती हैं एग्जाम में आपके। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, गोल्डन बूट अवार्ड किलियानो को दिया गया। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।